हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार और का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विष्णु डीटीएच पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कुल 11 नए चैनल को लेकर जिन्होंने रीफर्स के इसी ऑप्शन में स्लॉट जीत लिया है, और साथ साथ हम 20 और ऐसे चैनल को लेकर बात करेंगे जो कि रीफ्रेश रिमूव होने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे हमारे पुराने GST चैनल को लेकर जो कि रीफ्रेश पर इस बार आएंगे या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो पर देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो पर एंटर बने रहिएगा। उससे पहले मेरी यहाँ सही लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम आपको ये ऑप्शन के हर एक अपडेट देते हैं, इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए आज की इस न्यू वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों रीफ्रेश की 67 ऑप्शन में 11 चैनलों ने कल स्लॉट वन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, कल कुल 11 चैनल ने स्लॉट वन कर लिया था, और दोस्तों किसी रीज़न की वजह से हमारी वीडियो कल नहीं आ पाई थी, लेकिन दोस्तों आज हम ये अपडेट आपको दे रहे हैं। दोस्तों जो हमारा पहला चैनल है उसका नाम है मनोरंजन ग्रैंड, दूसरे चैनल का नाम है मनोरंजन टीवी, तीसरे चैनल का नाम है शिमारो टीवी, और हमारे चौथे चैनल का नाम है बिग मैजिक, पांचवे चैनल का नाम है द क्यू, और हमारे छठवें चैनल का नाम है दंगल। और दोस्तों ये सभी चैनल ने हिंदी GST कैटेगरी में स्लॉट वन कर लिया है। और दोस्तों मूवीज़ कैटेगरी में भी कुछ चैनल ने स्लॉट वन किया है, उनमें से हमारे पहले चैनल का नाम है स्टार सो मूवीज़, दूसरे चैनल का नाम है धमाका मूवीज़, तीसरे चैनल का नाम है वी फॉर यू कड़क, हमारे चौथे चैनल का नाम है वी फॉर यू म्यूजिक, और दोस्तों जो हमारा पांचवा चैनल है उसका नाम है कलर सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स। दोस्तों तो कुल यही सभी चैनल ने मूवीज कैटेगरी में स्लॉट बॉन किया है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम कि कौन से 20 चैनल रीफ्रेश रिमूव होने वाले हैं। दोस्तों तो सभी न्यूज़ के जितने भी चैनल हैं उन सभी लोगों ने अपने एक ग्रुप बनाया है, और रीफ्रेश के सामने यानी कि प्रसार भारती के सामने एक एग्रीमेंट रखा है। वो दोस्तों ये है कि रीफ्रेश की इस 67 ऑक्शन में जितने भी न्यूज़ के चैनल हैं वो सभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर प्रसार भारती अपने स्लॉट्स के प्राइस कम नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों इस बार रीफ्रेश ने पहले की ऑक्शन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिए हैं अपने चैनल्स के स्लॉट के। इसलिए दोस्तों रीफ्रेश के सामने एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और दोस्तों अगर आप रीफ्रेश अपने स्लॉट्स के प्राइस कम नहीं करता है तो शायद ये 20 के 20 न्यूज़ चैनल रीफ्रेश रिमूव हो जाएंगे। और दोस्तों अभी इसके बारे में कुछ 100% कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि प्रसार भारती स्लॉट्स की कीमत कम करती है नहीं, और दोस्तों अगर प्रसार भारती ऐसा नहीं करेगी तो दोस्तों रीफ्रेश को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, और साथ ही साथ जो लोग न्यूज़ चैनल देखना पसंद करते हैं उनके लिए भी काफ़ी बुरी अपडेट रहने वाली है। लेकिन दोस्तों जो लोग न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट रह सकती है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पुराने चैनल को लेकर। दोस्तों तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है इस बार ये ऑप्शन में ये पुराने चैनल ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, शायद इस बार भी ये चैनल हमें रीफ्रेश पर देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे दोस्तों पहले हमें काफ़ी सारी मीडिया वेबसाइट की तरफ से अपडेट मिली थी कि ये सभी चैनल रीफ्रेश पर आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों जहाँ तक अब अपडेट मिल रही है ये सभी चैनल इसी ऑप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमें पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है, लेकिन दोस्तों अब आप क्या कर सकते हैं, जैसी अपडेट आएगी हमें आपको अपडेट करना होगा। दोस्तों तो यही अपडेट हम आपको देना चाहते थे, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।